गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं जेईई मेन के एग्ज़ाम के कुछ दिन बचे हैं और इन कुछ दिनों में आपके जो दिमाग की तरंगे हैं उनका एम्पलीट्यूड काफ़ी बढ़ गया होगा। कभी काफ़ी खुशी की अनुभूति हो रही होगी और कभी थोड़ा चिंता में भी जा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कैसा होगा पेपर, क्योंकि किसी ने 4 साल 9th में रहते रहते परिश्रम किया, किसी ने 3 साल, किसी ने 2 साल, और अब वो परीक्षा की घड़ी आ गई, उस फाइनल की घड़ी आ गई जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। मेरे प्यारे बच्चों, इसी टाइम पे मुझे लगा कि आपको वो संदेश देना चाहिए जो आपको ऐसे समय में अपने ऊपर भरोसा बढ़ाने में सहायक हो, हेल्पफुल हो। माय डियर स्टूडेंट, हर एक को ऐसा होता है जब वो किसी बड़े एग्जाम या बड़े फाइनल की ओर जाता है तो एक पॉजिटिव फियर आता है। तो ये आपके अंदर हो रहा है, ऐसा कुछ भी नया नहीं है। इसको लेके आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली हो, कोई भी जब भी फाइनल मैच खेलने जाते हैं तो उससे पहले उनके भी अंदर इसी तरीके से जो दिमाग की वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड बदलता रहता है। लेकिन कौन कितना अपने मन को उस फाइनल के समय, उस फाइनल एग्जाम के समय शांत रखता है वही विजेता हो जाता है। मैं आगे की बात आपको इस एग्जाम से जुड़ी हुई बताऊं, उससे पहले आप जैसा जानते हैं मैं कविताएं लिखता हूं आपके लिए, तो पहले एक कविता शेयर करूंगा फिर आगे अपनी बात रखूंगा। वो कहते हैं हिमालय सा ऊंचा उठ जाओ तो, वो कहते हैं गंगा सी अविरल धारा बन जाओ तो, मैं बोला ये होगा कैसे ये भी तो बतलाओ तो। वो बोले हिमालय सा धैर्य बनाओ तो, वो बोले विश्वास की गंगा बहाओ तो, फिर देखना चारों ओर प्रकाश ज्ञान का फैलाओगे तुम, खुद आनंदित हो सबको आनंदित करते जाओगे तुम। माय डियर स्टूडेंट, ये समय है पेशेंस का, ये समय है अपने ऊपर भरोसा करने का। आपने वर्षों परिश्रम किया है, कठिन मेहनत परिश्रम किया है, लगातार आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में काफी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, आपके पास ढेर सारा ज्ञान है, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं आपने, ढेर सारे मेथड हैं। सिर्फ इस बात का भरोसा करना है कि नहीं, हम अच्छा करेंगे और सही समय पर सही जो सॉल्यूशंस है हमारे दिमाग से जरूर आएंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं और पेपर देते समय पहला क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो तो आप नेगेटिव ना सोचने लगे कि बताइए पहले ही क्वेश्चन नहीं हुआ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ कई बार ऐसा हो जाता है। अगर शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लग रहा है तो भी घबराने की बात नहीं है। कई बार कई स्टूडेंट के साथ ऐसा हो जाता है, धीरे धीरे आप पिकअप लेंगे और फिर क्वेश्चंस तेजी से सॉल्व होने लगेंगे। एक और बात, अगर आप मान लेते हैं कि मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और 1 घंटे में आपसे 15-16 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ऐसा सभी के साथ हो रहा हो, क्योंकि हर सेशन में जो पेपर है उसका डिग्री ऑफ डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है और ये परसेंटाइल सिस्टम है। सो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ ऑल अदर्स यू आर गोइंग टू गेट द परसेंटाइल। सो वहां बॉदर करने की जरूरत नहीं है, वहां अपने को शांत बनाए रखना है क्योंकि अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी सॉल्व करना है। आप पेपर से कुछ दिन पहले या पेपर वाले दिन क्या खाएं, आप जैसे खा रहे थे वैसे ही नियमित खाना खाते रहिए, कोई ज्यादा उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बट बहुत ज्यादा पेट ना भरें, थोड़ा खाली रहेगा तो दिमाग तेज चलेगा। पानी पीते रहें जिससे आपकी बॉडी रिफ्रेश रहे, आपका दिमाग शांत रहे। आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करें, तो उसके लिए सबसे पहली राय, जैसा आप प्रैक्टिस करते समय कर रहे थे बस वैसा ही करें, मेरी राय पे ध्यान ना दें। फिर भी कई लोग पूछते हैं आपकी राय क्या है, तो मेरी राय ये है कि केमिस्ट्री का पेपर इन कंपैरिजन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आसान आ रहा है तो उसे आप पहले 30 से 45 मिनट्स में पूरा पेपर अटेम्प्ट करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपना स्कोर, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देगा। तो आप पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर सकते हैं,
फिर फिजिक्स या मैथमेटिक्स कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक राय है, अगर आखिरी में आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो आपकी वॉच में 75 मिनट्स होंगे, तो मैथमेटिक्स का पेपर आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ हर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ रहा है और मैथमेटिक्स का पेपर पिछले कुछ साल से लेंथी भी आ रहा है। और अगर बीच में मैथमेटिक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी केमिस्ट्री के बाद मैथमेटिक्स, तो कोशिश करिए कि एक घंटे में उसको पूरा अटेम्प्ट कर लें। क्यों? क्योंकि कई क्वेश्चंस, 5 से 7 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके किए हुए हैं, जिसको आप फास्ट कर सकते हैं। अगर वो लास्ट मोमेंट पे आप देखते हैं तो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, फिर वो ठीक आसानी से नहीं हो पाते हैं। सो मेन यहाँ पे अपने ऊपर भरोसा यानी विश्वास बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर रोल प्ले करने जा रहा है, कौन अच्छा परसेंटाइल ला रहा है। तो इसीलिए मेरी एडवाइस है कि खूब खुश रहिए, आनंदित रहिए, वर्षों आपने मेहनत की है और पक्का अच्छा होने वाला है। वो कहते भी ना, इफ यू कैन थिंक ऑफ इट यू कैन डू इट, यानी आप प्रतिदिन अच्छा सोचना शुरू करो, क्योंकि मेहनत तो आपने की है, बिना मेहनत के तो आप अच्छा सोच नहीं रहे हैं। तो आपने मेहनत की है, अब प्रतिदिन अच्छा सोचो कि मैं 99% के ब्रैकेट में आने जा रहा हूं। इफ यू कैन थिंक ऑफ इट यू कैन गेट इवन 100%। सो कीप इट। और चलते चलते एक और कविता जो और आपको थोड़ा सा बल देगी, मोटिवेशन सभी के लिए आवश्यक होता है, इवन मुझे भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, ये कविताएं मुझे भी मोटिवेट करती है, शायद आपके भी जीवन में कुछ काम कर जाएं। वर्षों सींचा वृक्ष ख्वाहिशों का निष्ठा रूपी जल से, नम हो जाने दो इसको अब विश्वास की रिमझिम में, मुश्किलों की छोटी मोटी आंधियां तो आएंगी पर कहां तुम्हारे साहस के आगे टिक पाएंगी, देखना फिर यह वृक्ष सफलता के फलों से लद जाएगा और हवाओं में तुम्हारी विजय का रस घुल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फेस इवन ड्यूरिंग द एग्जाम। इफ यू फील दैट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, जस्ट स्टॉप सॉल्विंग द क्वेश्चंस, क्लोज योर आईज फॉर 2 मिनट्स एंड थिंक, गैदर ऑल योर थॉट्स टुगेदर एंड देन अगेन स्टार्ट दैट यू हैव डन हार्ड वर्क एंड यू हैव द केपेबिलिटी, देन अगेन स्टार्ट द पेपर, यू विल डू बेटर। वो कहते हैं कि 2 मिनट्स में इतनी आसानी से कैसे सारी थॉट्स इकट्ठी हो जाएंगी, तो मैं फिर से कहूँगा आपके लिए सब आसान है, अपने पे भरोसा रखिए। आप जिस लाइफ स्पैन में हैं, यहाँ सब कुछ आसान है, बस भरोसा करते रहिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, सक्सेस। थैंक यू।